Hello, bachon. Let's see this question. Identify the tissue shown in the diagram and match with its characteristics and its location. यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रही है, इसमें आपको ब्रांचिंग नजर आ रहा है, ब्रांचिंग नजर आ रही है, और इसके अंदर आपको ये इंटरकलेटेड डिस्क नजर आ रहे हैं, इंटरकलेटेड डिस्क, न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है, और ब्रांच आपको नजर आ ही रही है, स्ट्राइएशन भी है यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, डार्क एंड लाइट बैंड है, तो हम ये लिख देते हैं कि स्ट्राइएशन भी है, ओके, अब देखिए यहाँ क्या दिया है, ये स्केलेटल मसल है, shows striations and closely attached with the bones of the limbs, ये इनकरेक्ट है बच्चों, जो आपके स्केलेटल मसल होते हैं ना, उनके अंदर आपको ब्रांचिंग नजर नहीं आती, ठीक है, बट इसमें ब्रांचिंग है, यहाँ पर ब्रांच्ड है, तो इसलिए स्केलेटल मसल तो नहीं है. फिर दिया है स्मूथ मसल, शो ब्रांचिंग, फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, ये इनकरेक्ट हो जाते हैं. स्मूथ मसल कैसे होते हैं, पेपर होते हैं दोनों एंड पर, रफली बनाए तो ऐसे होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, इनमें स्ट्राइएशन नहीं मिलता, ये आपकी स्मूथ मसल है. कार्डियक मसल्स, ब्रांच मसल्स, फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये कार्डियक मसल है जो आपको यहाँ पर गिवन है, कार्डियक मसल है. कार्डियक क्यों है, एक तो इसमें ब्रांचिंग है, स्ट्राइएशन है, न्यूक्लियस मिल रहा है, और ये कहाँ मिलती है, वॉल ऑफ हार्ट में. स्ट्राइटेड मसल, टेपरिंग एट बोथ एंड, तो टेपर नहीं है ये दोनों एंड पर, अगर टेपरिंग होती तो ऐसी नजर आती, और स्मूथ मसल में ऐसा आपको देखने मिलता है, ठीक है, स्मूथ मसल, तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है आपका ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 105 पर गिवन है. थैंक यू.